हाय एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आप लोगों को मैं आज नोटपैड में आगे की क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। इट मींस मेरी जो पिछली वीडियो आई थी नोटपैड पार्ट वन, उसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। बिकॉज मैंने पीछे ही कमिटमेंट करा हुआ था कि मैं आपको नोटपैड दो क्लासेस में प्रोवाइड करूँगा, नोटपैड पार्ट वन एंड नोटपैड पार्ट टू। पिछली क्लास में आपने देखा मैंने नोटपैड को ओपन करने से लेकर के पार्ट ऑफ विंडो तथा नोटपैड में फाइल मेनू के सारे ऑप्शंस को मैंने डीपली बताया। आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है नोटपैड पार्ट टू, और आज मैं इस क्लास में नोटपैड को कंप्लीट करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं नोटपैड पार्ट टू, इट मीन्स फाइल मेन्यू के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप देख पा रहे हैं नोटपैड टास्क बार पर मेरे था, जहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया। आपके सामने नोटपैड की विंडो आ चुकी है, जिसमें आपको फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस का डीपली नॉलेज हो चुका है। जिसने हमारी लास्ट वीडियो ना देखी हो, इट मीन्स नोटपैड पार्ट वन की वीडियो ना देखी हो, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है तथा वहाँ से यदि वो नहीं प्राप्त कर पाता तो हमारे चैनल पर जा करके कंप्यूटर बेसिक कोर्स का प्लेलिस्ट ओपन करके वहां से सारी वीडियोज को देख सकता है। चलिए हम देखते हैं एडिट। एडिट मेनू को हम यहां से पढ़ते हैं। एडिट में आप देख पा रहे हैं ऑप्शंस हैं आपके सामने, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विद विंग, और साथ में आप देखें शॉर्टकट्स भी शो कर रहे हैं। इट मीन्स जो काम हम माउस क्लिक से कर सकते हैं, वही काम हम इन शॉर्टकट्स के मदद से कीबोर्ड के द्वारा कर सकते हैं। कोई भी काम आसान करने के लिए, जल्दी करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही स्मार्ट वर्क बना देते हैं आपके वर्क को, यदि शॉर्टकट्स आपको नॉलेज होता है तो। तो चलिए देखते हैं। अंडू अभी हाईलाइट नहीं है बिकॉज हमारे वर्क एरिया पर, ये जो आप देख रहे हैं ये वर्क एरिया है हमारा, और यहाँ पर अभी कोई भी मैटर नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ हम कुछ टाइप कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मैंने अपने वर्क एरिया पर कुछ थोड़ा सा मैटर लिख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, हम चलते हैं एडिट मेनू को चेक करते हैं। एडिट मेनू पर हम जाते हैं और सबसे पहला ऑप्शन है अंडू। डू मतलब होता है करना, अंडू मतलब जो हमने किया उसको हम यहाँ से एब्सेंट कर सकते हैं। जो डिलीटेड टेक्स्ट होता है, इसका मेन सेंस होता है जो डिलीटेड टेक्स्ट होते हैं या जो आपने लास्ट टाइम लिखा होता है एक बार में बिना कुछ डिलीट किए, तो वो अंडू से एब्सेंट हो जाएगा और अंडू से ही हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये काम अगर हम कीबोर्ड से करें तो कंट्रोल के साथ, आप देख पा रहे हैं यहाँ अंडू के सामने लिखा है कंट्रोल जेड, तो हम ये काम कंट्रोल जेड से भी कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखें बार बार हम इसको कर सकते हैं। यहाँ कोई काउंट नहीं है, आगे चल के तो बाध्यता हो जाती है कि आप इतनी बार अंडू कर सकते हैं, इतना बार रेडू कर सकते हैं, आगे रेडू ऑप्शन भी आपको मिलेगा, बट यहाँ अंडू से ही एब्सेंट भी होता है और अंडू से ही हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं जैसे ये अब जो मेरा टेक्स्ट है वो सेलेक्ट होकर के आ रहा है। सेलेक्शन के लिए मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हम चाहें तो माउस का प्राइमरी बटन क्लिक करें, मतलब प्रेस करके पुश करके रखें और हम उसको ड्रैग करते हैं, तो इस तरह से हम सेलेक्शन ले सकते हैं। हमने आपको बताया था कि हमारा कर्सर या हमारा इंसर्शन पॉइंट जो स्टार्टिंग में है, शिफ्ट बटन प्रेस करें और एरो की को हम प्रेस करते रहें तो भी हम सेलेक्शन ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर मेरा इंसर्शन पॉइंट स्टार्टिंग में है, शिफ्ट को प्रेस करेंगे और एंड में हम क्लिक कर देंगे तो भी सिलेक्शन तुरंत हो जाएगा। या हम एक काम करें, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर सेलेक्ट आल एक साथ पूरा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो भी ये सेलेक्ट आल हो जाएगा। सेलेक्ट करना ज़रूरी क्यों है? हम सिलेक्शन को एक बार डीसेलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्शन को रिमूव कर देते हैं, फिर हम एडिट में जाते हैं। देखिए अंडू तो हम कर चुके हैं, अंडू से क्या होता है जो डिलीटेड मैटर होता है वो वहाँ से एब्सेंट और प्रेजेंट किया जा सकता है। कट के माध्यम से हम उसको कट कर सकते हैं, लेकिन कट अभी आप देख पा रहे हैं हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट मतलब होता है एक्टिव नहीं है, जिस पर हम क्लिक करते हैं इसे वो कुछ भी रिस्पॉन्स करता है। तो जब तक हम यहाँ इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और यहाँ पर आप जाते हैं देखते हैं कट। कट का मतलब होता है जो हमने मैटर लिखा हुआ है फाइल में उसका लोकेशन हमें चेंज करना है तो हम कट करते हैं। हम यहाँ से कट किया, एब्सेंट हो गया। हम यहाँ नीचे आकर के थोड़ा सा, और यहाँ पर हम जा करके एडिट में
पेस्ट ऑप्शन होता है, कट मीन्स होता है वहाँ से उसका लोकेशन चेंज करने के लिए। हम कट करते हैं, जो मैटर होगा सेलेक्टेड मैटर कट जाएगा, और पेस्ट मीन्स होता है चिपकाना। पेस्ट पर क्लिक करते ही जहाँ हमारा इंसर्शन पॉइंट होगा वहाँ मैटर हमारा पेस्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं हमारा लोकेशन चेंज हो गया थोड़ा सा, हम जहाँ पर मैटर लिखे थे उससे थोड़ा सा मूव करके नीचे ला करके इसको पेस्ट कर दिए। कहने का मतलब कट करते हैं हम यदि अपने मैटर का, अपने फाइल का या फोल्डर का हमें लोकेशन चेंज करना होता है तो हम कट करते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, देखते हैं कॉपी। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट। अगर हम ये मैटर इसी का डुप्लीकेट ऊपर प्रेजेंट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं ये मैटर यहीं रहे मेरा और यहाँ डुप्लीकेट हमें मिल जाए उसका सेम, तो हम क्या करते हैं यहाँ से चलते हैं कॉपी करते हैं। विदाउट सेलेक्शन कट कॉपी हाईलाइट नहीं होगा। कॉपी किया, जस्ट डुप्लीकेट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ आ करके हम पेस्ट करें या कंट्रोल के साथ वी प्रेस कर दें तो आपका मैटर पेस्ट होकर के आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं सेम दो मैटर आपके पास आ गया। इतना गैप क्यों दिया, जो मैटर हमने यहाँ पेस्ट किया है वो उसके लिए परफेक्ट स्पेस नहीं था, इसलिए उसको जैसे ही हमने सेव किया तो वो अपना स्पेस लिया, इसके बाद एक्स्ट्रा स्पेस उसमें प्रोवाइड कर दिया जितना कि इस मैटर के पहले स्पेस था। आप ध्यान दे रहे होंगे एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में स्क्रॉल बार होता है जिसमें एलिवेटर होता है, एलिवेटर के द्वारा हम लिखे हुए टेक्स्ट को मूव करके देख सकते हैं। तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, उसमें आपका एलिवेटर आ चुका है, एलिवेटर से हम एलिवेट करके मैटर्स को देखते हैं। जितना ज़्यादा मैटर होगा उतना ही आपका एलिवेटर छोटा होता चला जाएगा और आप उसको मूव करके देख पाएंगे। जैसे हमने कॉपी किया हुआ, हम कंट्रोल वी का इस्तेमाल करके बार बार पेस्ट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारा एलिवेटर और छोटा हो गया और हम इस तरीके से इसमें मूवमेंट कर सकते हैं, अपने पूरे मैटर को यहाँ से एलिवेटर को मूव करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। आपने अंडू देखा, अंडू से क्या होता है, जो डिलीटेड मैटर होता है वो आपका प्रेजेंट और एब्सेंट किया जा सकता है। कट से हम लोकेशन चेंज करने के लिए कट करते हैं, फिर उसको अलग जगह पर ले जा करके पेस्ट कर देते हैं। कॉपी आप देख पा रहे हैं, कॉपी मीन्स होता है डुप्लीकेट। यहाँ से इसका हम जो भी मैटर हम लिए हुए हैं उसका हम डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, और फिर हम उसको अलग जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट मतलब चिपकाना होता है, कट मैटर या कॉपी का किया हुआ मैटर हम पेस्ट के माध्यम से उसको चिपका सकते हैं, उपस्थित कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। हम अगला मैटर देखते हैं डिलीट। डिलीट हाईलाइट नहीं है, बिकॉज डिलीट का करना है तो हमें सेलेक्ट करना जरूरी होता है। इतना मैटर अपना हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम चाहें तो एडिट में जा करके डिलीट पर क्लिक करें, या डेल बटन होता है आपके कीबोर्ड पर, उसको आप यहां से क्लिक कर दें और आपका मैटर कट जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। अगर हम कंप्लीट डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए करें, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा और यहां से डिलीट कर देंगे तो सारा मैटर आपका डिलीट हो जाएगा। फिर से प्रेजेंट करना है तो अंडू एक ऐसा ऑप्शन है, उसके माध्यम से हम जितना भी डिलीटेड मैटर है उसको ला सकते हैं। कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करेंगे और कंप्लीट मैटर आपका आ जाएगा जो आपने अपने विंडो पर लिखा हुआ था, जिसको अभी आपने सेलेक्ट करके डिलीट किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, ये है सर्च विद विंग। अगर ऑनलाइन आप कुछ सर्च करना चाहते हैं ब्राउजर पे, बिंग आपका सर्च इंजन होता है, वहाँ से जाकर के कुछ सर्च करना चाहते हैं, जो डिफ़ॉल्ट तरीके से होम पेज लगा होता है आपके ब्राउजर पर वही यहाँ सर्च में उसका नाम आ जाता है, तो सर्च विद बिंग करने पर ऑनलाइन डायरेक्टली हमारा वेब ब्राउजर खुलेगा और वहाँ से हम जा करके कुछ भी सर्च करके ला सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ब्राउज़र आ गया, तो यहाँ से विंग के माध्यम से, विंग आपका ब्राउज़र में आपका सर्च इंजन है जिसके माध्यम से हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन कुछ भी हम सर्च करना चाहें तो विंग पे जाके सर्च करते हैं, सेम एज़ गूगल। बट गूगल एक एडवांस सर्च इंजन है, गूगल में जो रिपोर्ट्स हम चाहते हैं, जो हम जानकारी लेना चाहते हैं गूगल से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं बिकॉज इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। एडिट में इस ऑप्शन को आप समझ लें, सर्च विद विंग, विंग पर मतलब जो आपके सिस्टम का ब्राउज़र में होम पेज आपका सर्च इंजन लगा होगा उसके माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड। हमने आपको बताया जो भी ऑप्शन हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसका शॉर्टकट है, तो आप लोग क्या करेंगे अपने नोटबुक में इस सब को नोट डाउन कर लेंगे और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप एक एक को चेक कर लेंगे। अब हम फाइंड करते हैं। फाइंड मतलब होता है कुछ भी सर्च करना या खोजना।
जो हमने अपना डॉक्यूमेंट में अपने पेज पर जो भी मैटर हमने लिखा हुआ है, यदि उसमें हम कोई कैरेक्टर, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस सर्च करना चाहते हैं तो हम फाइंड के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया KCI हमने लिखा और हमने यहाँ से मैच करना स्टार्ट करा। हम अभी इन दोनों को ऑप्शन को हटा देते हैं, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहाँ भी KCI होगा हमें नीचे से मिल रहा है, बिकॉज यहाँ डायरेक्शन डाउन किया हुआ है। अगर हम डायरेक्शन को अप कर लेंगे तो यहीं से फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ऊपर की तरफ फाइंड करता हुआ आ जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है मैच केस। हम जिस केस में लिखे हुए हैं अगर उसी केस में आपका जो सर्च डॉक्यूमेंट है जिसमें सर्च कर रहे हैं आप, उसमें जो टेक्स्ट है उसी अगर केस में लिखा हुआ है तभी आपका मैटर सर्च होगा। जैसे KCI सेम जैसा आपके पेज पर है वैसे ही मैंने यहाँ डाला हुआ है। अगर हम यहाँ कैपिटल में पूरा KCI डाल देते हैं और यहाँ हम कर दें मैच केस, तो फाइंड नेक्स्ट करते ही वो आपको एक कैन नॉट फाइंड KCI लिख करके आ रहा है, बिकॉज जो आप अपना वर्ड सर्च करना चाहते हैं जो आपके वर्क एरिया पर है उसका जो केस है फॉन्ट का, वो केस उस वर्ड का केस और इस वर्ड के केस से मैच नहीं करता है, बिकॉज ये अपर केस है और वो टाइटल केस है। सो उसके नाते ही आपका ये केस को फाइंड नहीं कर, चूँकि यहाँ हमने टिक कर दिया और एक वैलिड लगा दिया कि अगर मैच केस केस मैच करेगा, ये KCI अगर सेम केस में है तब तो उसको मैच करेगा, अन्यथा सेम केस में नहीं है तो आपका मैच नहीं करेगा। जो केस होते हैं, कैरेक्टर केसेस होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस और आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, या जिसे हम टाइटल केस कहते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मैच केस को अगर हम हटा दें और हम फिर से फाइंड नेक्स्ट करें तो फाइंड नहीं कर रहा, बिकॉज एकदम ऊपर भी आ गया है। हम डाउन करें तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे फाइंड करेगा, लेकिन अगर मैच केस हम फिर से चेक करा देते हैं आपको तो ये फाइंड नहीं करेगा, बिकॉज सेम केस में आपका जो मैच वर्ड है वो नहीं है। तो आप देखें नेक्स्ट ऑप्शन जो है रैप अराउंड। रैप अराउंड का सेंस ये है कि जो भी आपका वर्क एरिया है अगर आपका टेक्स्ट छिपा हुआ है, हिडन है, तो रैप अराउंड करने का मतलब रैप में आपके सामने वो टेक्स्ट आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ये लाइन जो है वो टेक्स्ट आपका छिपा हुआ था, लेकिन उसने क्या किया आपके सामने ला करके उसको फाइंड किया। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे दूसरे के लिए वो अंदर फिर जा करके आपका छिप जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये मैटर आपका फिर जा करके छिप गया। अगर हम ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार में एलिवेटर को मूव करेंगे तो KCI आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन जब उसे सर्च करना तो आपके रैपिंग एरिया में ला करके उसने शो करा दिया था। तो ये दो ऑप्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं। वही फाइंड नेक्स्ट का वर्क हम यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं, या हम F3 शॉर्टकट का इस्तेमाल करके फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं फाइंड नेक्स्ट करना है तो चाहे हम F3 करें या फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें, मैटर आपका नेक्स्ट नेक्स्ट करके फाइंड करता रहेगा। आगे हम आ जाते हैं फाइंड प्रीवियस। अभी जिस पर हम थे पहले जस्ट प्रीवियस हम जा सकते हैं। ये आपका लेटेस्ट वर्जन है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो 10 है, इसके नाते कुछ ऑप्शंस इसमें एक्स्ट्रा हैं, आपके पुराने वर्जन्स में ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ एडिट जाएं तो यहाँ से फाइंड नेक्स्ट तथा यहाँ से हम फाइंड प्रीवियस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं रिप्लेस। हम एडिट में आते हैं, अगला ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब प्लेस को चेंज करने के लिए, इस स्थान पर हम कुछ तो अलग करना चाहते हैं तो रिप्लेस करेंगे, इसके स्थान पर कुछ हम अलग लेना चाहते हैं। शॉर्टकट Ctrl+H है। हमने आपसे कहा कि शॉर्टकट्स आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा जिससे आपको स्मार्ट वर्क करने में सुविधा हो जाएगी। अब हम चलते हैं रिप्लेस करते हैं। आप देख पा रहे हैं KCI की जगह पर हम कीर्ति कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं KCI की जगह पर हमको कीर्ति चेंज करना है। अभी हम फाइंड कर चुके हैं, अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये आपको जो दिख रहा है KCI ये आपका कीर्ति हो जाएगा। आप देखें कीर्ति टैली स्पेशलिस्ट के नाम से आ गया। इट मीन्स हम रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर हम रिप्लेस आल प्रेस कर दें तो आपके इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो पेज है, आपका वर्क एरिया है, कहीं भी आपका KCI होगा तो सब रिप्लेस आल में करने से रिप्लेस हो जाएगा। बट अगर हम केस
मैच केस करके रिप्लेस करेंगे, तो जो केस को मैच करेगा उसी को रिप्लेस करेगा, अन्यथा दूसरे को रिप्लेस नहीं करेगा। तो अभी हम ऐसा कुछ करते नहीं, हम रिप्लेस ऑल करके देख लेते हैं। आप देखेंगे तो आपको केसीआई कहीं नहीं मिलेगा, सब जगह आपको कीर्ति कीर्ति ही मिलेगा, बिकॉज हमने केसीआई के स्थान पर कीर्ति कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम रिप्लेस और रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट गो टू। आप देख पा रहे हैं गो टू हाईलाइट है, गो टू हाईलाइट नहीं रहता है ज़्यादा केसेस में। कब ये हाईलाइट होता है? जब आप फॉर्मेट में एक ऑप्शन होता है वर्ड रैप, वर्ड रैप का सेंस ये होता है, वर्ड मतलब होता है शब्द, रैप मीन्स होता है मोड़ना। अगर हम वर्ड रैप एक्टिवेट कर दें तो जो आपको ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार में एलिवेटर दिख रहा है, जो आपके लेफ्ट और राइट में हिडन टेक्स्ट को शो कराता है, अगर हम वर्ड रैप को एक्टिवेट कर देंगे तो आपका विंडो तक जाके टेक्स्ट रैप हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इट मीन्स विंडो में आपके सारे प्रदर्शित होने लगेंगे। अगर टेक्स्ट कहीं हिडन हो रहा है तो बॉटम में हिडन होता जाएगा। हम यहाँ वर्ड रैप को एक्टिवेट करते हैं और आप अगर एडिट में आते हैं तो आप देख पाएंगे आपका गो टू हाईलाइट नहीं है, और आप देख पा रहे हो नीचे आपका जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार मिल रहा था वो भी यहाँ से हिडन हो गया है। तो हम क्या करें, हम वर्ड रैप को अभी डीसेलेक्ट करके रखते हैं और हम चेक करते हैं गो टू को। हम गो टू पर जाते हैं और गो टू, चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया कि नोटपैड बहुत ही नॉर्मल एप्लीकेशन है, जो टेक्स्ट एडिटर विंडो है जिसमें हम टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट टाइपिंग का वर्क करते हैं, यहाँ से हम गो टू में केवल लाइन चेंज कर सकते हैं। किसी अलग लाइन पे हमें जाना है, जैसे हमें 8 लाइन पे जाना है, 8 नंबर की लाइन पे जाना है, हम गो टू करेंगे तो हमारा इंसर्शन पॉइंट 8वीं लाइन पर आ जाएगा। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं लाइन पर आपका इंसर्शन पॉइंट आ चुका है। तो इस तरह से हम गो टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। गो टू पर जाएं, हमें तीसरी लाइन या दूसरी लाइन पर जाना है, हम यहाँ से गो टू करें, हम जस्ट पहुँच सकते हैं। ये काम आप तब कर सकते हो चूँकि हमें स्टेटस जानना, हमें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत, जब हमारे सामने सारी चीज़ें प्रदर्शित होती रहती हैं फिर हमें गो टू की आवश्यकता नहीं है। बट अगर हमारे टेक्स्ट छिपे हुए हैं, हम एक लाइन में लिख रहे हैं तो हमें लाइन कैसे पता चलेगा, उसके नाते से हमें गो टू का इस्तेमाल करना होता है। अगर हम सेलेक्ट ऑल प्रेस कर दें तो सारे टेक्स्ट आपके सेलेक्ट होकर के आ जाएंगे। तो हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लिए हैं और अगर हम चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, जो मैटर हिडन भी थे वो भी सब डिलीट हो गए। और अगर हम अंडू जा करके अंडू पर क्लिक कर दें तो सारे टेक्स्ट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम। अगर हम डेट एंड टाइम पर क्लिक कर दें तो जो सिस्टम में डेट एंड टाइम का फॉर्मेट है वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये जो करेंट अभी आज का डेट है और जो टाइम है वो आपके सामने प्रेजेंट हो गया है। तो इस तरह से अगर हम यही चीज़ शॉर्टकट से लाना चाहते हैं तो F5 प्रेस करेंगे, हमको शॉर्टकट से मिलता रहेगा। आप देख रहे हैं हम शॉर्टकट प्रेस करते जा रहे हैं, आता जा रहा है लेकिन हिडन होता जा रहा है। बिकॉज ऐसा क्यों है, हमारे मैटर हिडन को हो जा रहे हैं। हमने अभी आपको बताया कि फॉर्मेट में एक ऑप्शन होता है वर्ड रैप, अगर ये एक्टिवेट होगा तो सारे टेक्स्ट आपके विंडो पर सामने दिखेंगे, आपके लेफ्ट और राइट में कोई भी टेक्स्ट हिडन नहीं होगा, छिपेगा नहीं। यदि मैटर ज़्यादा है तो पेज के लास्ट तक धीरे धीरे हो जाएगा, चूँकि पेज बड़ा होता है और आपकी विंडो से बड़ा होता है इसलिए उसमें एलिवेटर आ जाता है, इससे मूव करके आप देख पाते हैं। तो हम वर्ड रैप को एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करते ही आपके सामने टेक्स्ट आ गया। आप देख पा रहे हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार यहाँ से गायब हो गया, वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिसमें एलिवेटर और आपका नीचे जो हिडन टेक्स्ट है वो आपको दिख रहा है। आप जो डेट एंड टाइम आप इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे हम यहाँ कर्सर रखें और F5 प्रेस करें तो डेट और टाइम जो है हमारा आता रहेगा, हिडन टेक्स्ट आपके राइट साइड में हिडन नहीं होगा, वो आपके नीचे जाता आता जाएगा और आपका एलिवेटर जो है वो आपका चलता रहेगा। और ये धीरे धीरे जैसे ज़्यादा मैटर बढ़ते जाएंगे ये छोटा होता चला जाएगा, जिससे वो मूव करके सारे मैटर्स को दिखा सके। तो वर्ड रैप का मतलब होता है, वर्ड मतलब होता है शब्द, रैप मीन्स होता है मोड़ना। यदि वर्ड रैप एक्टिवेटेड रहता है तो आपके टेक्स्ट आपके विंडो पर दिखाई देते हैं, वो राइट साइड में हिडन नहीं होते हैं। और यदि ये डीसेलेक्ट रहता है, अगर ये डीएक्टिवेट होता है इस तरह से, तो आपके टेक्स्ट राइट साइड में हिडन हो जाते हैं, जिसको आप यहाँ हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार के माध्यम से एलिवेटर को मूव करके आप देख पाते हैं। आई होप आपको वर्ड रैप समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं फॉन्ट। हम अपना जो मैंने लिखा हुआ है ये फॉन्ट अगर हम चेंज करना चाहते हैं,
इसकी स्टाइल बदलना चाहते हैं, इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, तो हम फॉन्ट ऑप्शन के द्वारा ये सारे परिवर्तन कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि नोटपैड एक बेसिक एप्लीकेशन होने के नाते इसमें बहुत ज़्यादा हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं, इसमें कलरिंग वगैरह हम नहीं कर सकते हैं, बट हम फॉन्ट साइज़ एंड फॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। एक आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताएं हम आपको कि यहाँ बिना सेलेक्शन के भी हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आगे जो आप विंडो पढ़ेंगे उसमें जब तक आप टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप फॉन्ट का स्टाइल, साइज़ तथा फॉन्ट को हम चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम फॉर्मेट पे चलते हैं और फॉन्ट को चेक कर लेते हैं। आप फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, या डॉक्यूमेंट विंडो हम कह सकते हैं, या आपके सामने प्रदर्शित होगा। आप देखें फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ देखें आप फॉन्ट का यहाँ आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, जो भी फॉन्ट स्टाइल हमें चाहिए वो हम लगा रहे हैं। हमने यहाँ से फॉन्ट ले लिया, यहाँ से हमने स्टाइल चुन लिया, आपने इटैलिक बोल्ड करा और यहाँ से आपने उसका साइज़ बढ़ा लिया। हम चाहें तो यहाँ से ओके करें तो हमारा फॉन्ट परिवर्तित होकर के आ जाएगा। मैंने आपसे बताया कि हमें फॉन्ट को सेलेक्ट करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है नोटपैड में, अदरवाइज़ आगे जितनी भी विंडो आप यूज़ करेंगे सब में आपको फॉन्ट को सेलेक्ट करना ज़रूरी होगा, तभी आप उसमें फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं, यदि हम सेलेक्ट करके करना चाहते हैं, हम आपको बता दें अदर विंडो में आपको सेलेक्शन लेना होगा और जितने पर सेलेक्शन आप लेंगे वही फॉन्ट परिवर्तित होगा, बट यहाँ सेलेक्शन का यूज़ क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हम दिखाते हैं। कुछ मैटर हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने कुछ विदाउट सेलेक्शन रखे। हम फॉन्ट पर जाएंगे और यहाँ पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा और इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में से हम फॉन्ट को चुनेंगे। हमने फॉन्ट ले लिया, यहाँ पर हमने यहाँ बोल्ड कर लिया और यहाँ हमने साइज़ थोड़ी सी छोटी कर ली और हम यहाँ से ओके करते हैं। आप देख पा रहे हैं जो सिलेक्शन था वो भी चेंज हो गया और जिसमें सिलेक्शन नहीं था वो भी चेंज हो गया, मतलब यहाँ सिलेक्शन का कोई यूज़ नहीं है। तो नोटपैड एक बेसिक एप्लीकेशन है जिसके लिए आपको सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप इसको देख पा रहे हैं। आपने देखा फॉर्मेट में मैंने आपको वर्ड रैप बता दिया, फॉन्ट बता दिया, पीछे एडिट में मैंने आपको कंप्लीट एडिट मेन्यू को बता दिया। अब हम व्यू मेन्यू को चेक करते हैं। आप देख पा रहे हैं जूम, यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल प्लस के साथ हम कर सकते हैं। यहाँ हम जूम प्लस कर रहे हैं, वही काम हम कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे। देखिए जूम बढ़ रहा है, कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे जूम माइनस होगा। इस तरह से हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। तथा एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम कंट्रोल जीरो। अगर हम कंट्रोल प्लस करते हुए इसको बहुत बड़ा कर लिए जूम को और कंट्रोल के साथ हम ज़ीरो प्रेस करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट जूमिंग सिस्टम है वो आपका प्रदर्शित हो जाएगा, मतलब 100% जूम में आप आ जाएंगे। यहाँ देखिए जूम भी आपको प्रदर्शित कर रहा है, जब हम कंट्रोल के साथ प्लस करते जाते हैं जूम बढ़ता चला जाता, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 150% हो गया। अगर हम यहाँ कंट्रोल ज़ीरो कर दें तो 100% मतलब नॉर्मल साइज जूम आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखें आप, स्टेटस बार, जो कि आप देख पा रहे हैं वर्क एरिया के नीचे आपका स्टेटस बार प्रदर्शित हो रहा है, उपस्थित है। यहाँ से चाहें तो इसको हम हिडन कर सकते हैं और यहीं से चाहें तो इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं एक बात आपको और बता दूँ, यदि आप पुराने वर्जन में इसको यूज़ करेंगे तो जब तक आपका वर्ड रैप डिसलेक्ट नहीं होगा तब तक आपका स्टेटस बार हाईलाइट नहीं होगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है, आपका हाईलाइट है। यहाँ से आप हिडन भी कर सकते हैं और यहाँ आप इसको शो भी करा सकते हैं। तो आपने देखा व्यू में दोनों ऑप्शन को मैंने आपको बताया, जूम यहाँ से जूम इन हम कैसे करते हैं, जूम आउट कैसे करते हैं और हम रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम कैसे करते हैं, उसका शॉर्टकट क्या होता है। अब हम चलते हैं हेल्प पर। यदि हमें किसी भी प्रकार का हेल्प प्राप्त करना है, हमारे पास कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमें पढ़ा सके, तो हमको अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें आती है तो हेल्प पर जा करके हम यहाँ से हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। व्यू हेल्प पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हेल्प का डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा और जहाँ से हम जा करके ऑनलाइन हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हेल्प में अगला ऑप्शन है सेंड फीडबैक। अगर हम नोटपैड का कोई भी यूज़ करने के बाद इसमें हमें इसकी जो गुणवत्ता है और या इसमें कुछ फॉल्ट हैं, अगर उसको हम उसका फीडबैक ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट को देना चाहते हैं तो हम यहां से दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसको हम यहां से हटा देते हैं।
लास्ट आपका अबाउट नोटपैड। अबाउट नोटपैड पर क्लिक करेंगे तो ये नोटपैड जो है किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत चल रहा है, इसका वर्जन क्या है, इसका लाइसेंस किसके अंडर में है, वो सारी चीज़ें यहाँ से हमें पता चल जाएंगी। एक बात मैं आपको और बता दूँ, यदि आप पुराने वर्जन्स में यूज़ करेंगे, अगर विंडोज़ 7 आप यूज़ कर रहे हैं, 8 यूज़ कर रहे हैं या उससे पुराना वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको हेल्प में, व्यू हेल्प में जा करके हम हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होंगे, वहाँ में सर्च में डालना होगा और ऑफलाइन भी हम हेल्प ले सकते हैं। यहाँ हम सारा काम ऑनलाइन हेल्प लेने का करते हैं। तो आपने देखा, एडिट मेन्यू देखा आपने कंप्लीट, फॉर्मेट समझा, व्यू समझा एंड हेल्प। तो आपने देखा कि हमने फाइल से लेकर के हेल्प तक आपको बताया। आपको ये मालूम हो कि नोटपैड या किसी भी एप्लीकेशन में यदि हमने कंप्लीट मेन्यू को पढ़ लिया तो उस एप्लीकेशन के बारे में हमें कंप्लीट ज्ञान हो जाता है। आई होप आपको नोटपैड कंप्लीटली समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। यदि कोई प्रॉब्लम है आपकी, कोई भी क्वेरी है, तो भी कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर सूचित करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।